हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर फंडामेंटल टॉपिक इज ऑक्सीजनेशन। इंट्रोडक्शन इज ऑक्सीजनेशन इज वेरी नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन कलेक्टिवली टू मीट बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत नेसेसरी होती है। कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन के थ्रू ये बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजनेशन को, वो पूरा करती है। ऑक्सीजनेशन डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड टिश्यू इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ एंड लाइफ। ओके, डेफिनेशन। ऑक्सीजनेशन इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड बोथ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन एक्टिविटीज। Hence, there occurs the exchange and transport of respiratory gases. ठीक है, ऑक्सीजनेशन एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें कि इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी प्रोसेस इंक्लूड होता है। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी एक्टिविटी इंक्लूड होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। सेकेंड डेफिनेशन, ऑक्सीजन थेरेपी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज ए थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज। अब इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो इंस्पायर्ड की जाती है, अंदर लंग्स में ली जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, लंग्स का एक्सपांसन होता है। एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल आउट की जाती है लंग्स से। ये है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, जिसमें कि इनहेलेशन में लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं जबकि इन एक्सहेलेशन में लंग्स वापस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर, डेवलपमेंट फैक्टर, डिजीज फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर एंड लाइफ स्टाइल। तो एक एक करके इनको देखते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर, तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, डिक्रीज इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे ट्रैक्ट, हाइपोवोलेमिया, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन, हाइपोक्सिया, कंडीशन अफेक्टिंग चेस्ट वॉल मूवमेंट। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट करते हैं, इनकी वजह से ऑक्सीजनेशन अफेक्ट होते हैं। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन का ज़्यादा लेना, हाइपो वेंटिलेशन वेंटिलेशन का कम होना, हाइपोक्सिया होना, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होना टिश्यू में, और कंडीशन अफेक्टिंग चेस्ट वॉल, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से चेस्ट वॉल मूवमेंट में दिक्कत हो रही हो। डेवलपमेंट फैक्टर, डेवलपमेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं, द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ए पेशेंट एंड ए नॉर्मल एजिंग प्रोसेस अफेक्ट द टिश्यू ऑक्सीजनेशन। ठीक है, दो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं पेशेंट की, और जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होता है वो भी टिश्यू ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट करता है, जैसे कि इन्फेंट टोडलर्स में, और स्कूल एज चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट, यंग एंड मिडिल एडल्ट, ओल्डर एडल्ट, तो इन सब में अलग अलग जो ऑक्सीजनेशन, टिश्यू ऑक्सीजनेशन होता है की प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। लाइफ स्टाइल फैक्टर, इसमें क्या होता है, लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन कैसा है, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, सस्टेन एब्यूज़ है ना, कुछ ड्रग एब्यूज़ वगैरह होता है ना, कोकेन वगैरह, वो सब, स्ट्रेस है पेशेंट मतलब पर्सन को स्ट्रेस है कि नहीं है, तो ये सब लाइफ स्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में इन्वायरमेंट फैक्टर क्या होता है, रेजिडेंस लोकेशन, रेजिडेंस लोकेशन कहाँ कहाँ रह रहा है पेशेंट, ठीक है, ऑक्यूपेशन का क्या है उसका, तो ये सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। जैसे ऑक्यूपेशन, जैसे उसका कुछ ऐसा कोई, जैसे कोई मील वगैरह में काम करता है, जैसे ऊन की मील है, ऐसी मील में काम करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका ऑक्सीजनेशन अफेक्ट होता है। अब होती है कंडीशन फैक्टर अफेक्टिंग चेस्ट वॉल मूवमेंट, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से चेस्ट वॉल मूवमेंट
अफेक्ट होता है। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, मस्कुलोस्केलेटन एबनॉर्मेलिटी, ट्रोमा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अल्ट्रेशन। तो सबसे पहले होता है प्रेगनेंसी। एज द फीटस इज ग्रो अप द पुशेस डायफ्राम, मतलब जैसे जैसे फीटस ग्रो होता है वैसे वैसे डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो थोरेटिक कैविटी है उसमें एरिया कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी कम होती है लंग्स की। सेकेंड ओबेसिटी, तो ओबेसिटी में भी क्या होता है कि जो क्लाइंट्स लंग्स वॉल्यूम इज रिड्यूस फ्रॉम हैवी लोअर थोरेक्स, मतलब जो लोअर थोरेक्स या एब्डोमन अगर जिसका हैवी हो जाता है तो उसमें भी क्या होता है लंग्स वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, स्पेशली रिकमेंड या फिर सुपाइन पोजिशन में। मस्कुलोस्केलेटन एबनॉर्मेलिटी, कुछ मस्कुलोस्केलेटन एबनॉर्मेलिटीज होती है जैसे काइफोसिस होना, जैसे कुबड़ निकलना होता है ना जिसको कुबड़ बोलते हैं, स्कोलियोसिस मतलब जो वर्टेब्रल कॉलम है उसका टेढ़ा होना, तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी होती है तो जिसमें कि थोड़ी सी कैविटी अफेक्ट होती है जिसकी वजह से इनसफिशियंट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है ट्रोमा, तो किसी भी पर्सन को कहीं अगर ट्रोमा हो, कोई मल्टीपल हिप फ्रैक्चर हो, ठीक है, या फिर लीजन हो चेस्ट वॉल में, या फिर कोई और अदर इंसिजन हो थोरेसिक कैविटी में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है इनसफिशियंट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। उसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम अल्ट्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अल्ट्रेशन की वजह से भी रेस्पिरेटरी अफेक्ट पड़ता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सिचुएटेड इन CNS, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम सेंटर होता है वो CNS में सिचुएटेड होता है, तो उसमें किसी भी डिजीज़ के कारण या फिर ट्रोमा के कारण, कोई लीजन के कारण, कोई कंट्यूजन हो, कंक्लूजन हो ब्रेन में, तो ऐसी कंडीशन में किसी इंजरी के कारण हो सकती है ये कंडीशन, है ना, या फिर डिप्रेशन ऑफ जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसके डिप्रेशन के कारण ब्रेन में, तो ये सब कंडीशन के कारण भी ऑक्सीजनेशन में अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन। तो अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन में क्या होता है कि कार्डियक फंक्शनिंग एज द रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग लीड टू अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजन का अल्ट्रेशन कैसे होता है, या तो कार्डियक फंक्शनिंग में कोई अल्ट्रेशन हो या फिर रेस्पिरेटरी फंक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी हो। तो सबसे पहले हम कार्डियक फंक्शनिंग का अल्ट्रेशन देखते हैं। तो कार्डियक फंक्शनिंग में क्या होता है कि डिस्टर्बेंस इन कंडक्शन, कंडक्शन में जो कार्डियक कंडक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि पेशेंट को साइनस टेकीकार्डिया हो, साइनस ब्रेडीकार्डिया हो, साइनस डिसरिदमिया हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, या वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो, तो इन कंडीशन में जो कंडक्शन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद में जो कार्डियक फंक्शनिंग में होता है अल्ट्रेशन इन कार्डियक आउटपुट, तो किसी भी कंडीशन की वजह से कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज है, ठीक है, तो सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी अफेक्ट होता है इसकी वजह से, और कार्डियक फेलियर की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में इम्पेयर्ड वल्वुलर फंक्शन, तो कार्डियक में जो वाल्व होते हैं उनमें भी अगर उनका अगर इम्पेयर्ड फंक्शन हो, जैसे कंजनाइटल अक्वायर्ड डिजीज हो उनकी, है ना, जिनकी वजह से क्या होता है लूप ऑफ वाल्व गेट्स डिक्रीज, ठीक है, ल्यूमन ऑफ वाल्व गेट डिक्रीज, ठीक है, जो वाल्व की ल्यूमन है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसको कि स्टेनोसिस बोलते हैं। तो स्टेनोसिस की कंडीशन में कि अगर हो तो ऐसी कंडीशन में अल्ट्रेशन करती है, ठीक है। उसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस, तो एंजाइना पेक्टोरिस कैसे होती है, इट इज़ ट्रांजिएंट इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कंडीशन। जैसे कि जो हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है हार्ट, मतलब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है हार्ट को, मायोकार्डियम को, तो उस वजह से एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन होती है। चेस्ट में पेन होता है, वो कैसा होता है, एकिंग, शार्प, टिंगलिंग, बर्निंग, और वो फील लाइक प्रेशर लाइक पेन होता है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। उसके बाद में मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, सडन डिक्रीज कोरोनरी ब्लड, कोरोनरी ब्लड है वो उसका सडन डिक्रीज हो जाता है, या फिर मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, लेकिन कोरोनरी परफ्यूजन है वो इनएडिक्वेट होता है, उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो इन कंडीशन की वजह से भी कार्डियक फंक्शनिंग है वो अल्टर होगी। उसके बाद में अल्टरेशन इन द रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग में क्या क्या होता है,
हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपोक्सिया। तो सबसे पहले देखते हैं अल्टरेशन इन रेस्पिरेटरी फंक्शन में हाइपरवेंटिलेशन। तो हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है, इट इज ए स्टेट ऑफ एक्सेसिव वेंटिलेशन। तो ये एक्सेसिव वेंटिलेशन की स्टेट होती है, इसमें क्या होता है कि इट इफ दैट रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट नॉर्मल ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म मे बी इंड्यूस केमिकली बाय एंजाइटी अकर्स एंड बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अगर बॉडी में किसी भी कारण की वजह से अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन होना स्टार्ट होना हो जाता है और पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करने लग जाता है। और हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन जो होता है वो कम हो जाता है, इनसफिशियंट हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है सफिशियंट, जिसकी वजह से कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब होती है। उसके बाद में हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द सेल्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, टिश्यूज़ के सेल्स को इनएडिक्वेट ऑक्सीजन की सप्लाई होना हाइपोक्सिया कहलाता है, जो कि टिश्यू में नेक्रोसिस कर सकता है और इन इफेक्टिव फंक्शनिंग भी कर सकता है उनकी। ठीक है, तो ये सब अल्टरेशन होते हैं। ओके, थैंक यू।